बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, तो OG3 जरी बैंक में ये पेपर हुआ है, कल ही पेपर है। ऑफिसर ग्रेड 3 का ये पेपर है। ओपन टेस्टिंग सर्विस के जरिए पेपर हुआ है, OTS के जरिए 7 जुलाई 2024 को। जरी तरक्याती बैंक में ये जॉब आई थी। और इस वीडियो में जो है जनरल नॉलेज साइंस इंग्लिश के सवाल हल करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारी चैनल जॉब दिमती की उसको भी सपोर्ट करना है और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों को जो है फॉलो एंड ज्वाइन नहीं किया तो इन दोनों के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल पेपर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल पेपर है। इसका कोड भी आप देख सकते हैं और 3269 इसका कोड है। और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो इसके पहले MCQ जो हैं ये इंग्लिश वाले हैं 20 तक, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको लेके जाता हूँ इसके जो जनरल नॉलेज वगैरह के MCQs हैं, ये बेस MCQs बाद में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ये इसका सेकंड पेज है, 21 से शुरू करते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में जो है ये इंग्लिश वाले भी सॉल्व करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एयर इज़, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है 21% है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटीन कंटेंट इन बेरली इज हायर देन, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? मैज में होती है, मकई। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर, हाइग्रोमीटर इसके लिए इस्तेमाल होता है ह्यूमिडिटी यानी नमी को नापने के लिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्लोबल जेन बैंक ऑफ पोटेटो इज लोकेटेड इन, तो ये ग्लोबल जेन बैंक कहाँ पर है? चिप पेरो में है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच वन इज द मेन सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज अर्निंग, तो सबसे मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कल्टिवेशन ऑफ सेम क्रॉप एयर आफ्टर एयर इज कॉल्ड, तो इसको मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है, जो कि एक साल में बार बार जो है इसकी फसल होती है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाउ मच ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग इज थ्रू एग्रीकल्चर, तो 27 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, 65% अर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनरेट डेश परसेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये 43.5% है इसको जनरेट करता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाउ मेनी क्रॉप सीजन आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 2 क्रॉप सीजन है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द साइंस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी इज नॉन एज, तो इसको करेक्ट आंसर क्या आता है? 30 में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन सी, एपिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्लोबल जेन पोल राइस इज मेंटेन्ड ऑफ, तो सबसे ज़्यादा 31 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इरी फिलिपाइनीज। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मीटिंग बिटवीन डिस्टेंसली रिलेटिव इंडिविजुअल इज नॉन एज, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 32 में? ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट आंसर है, 32 आउट ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाई, तो ये ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, लेयरिंग है, ऑल ऑफ दीज है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्लांट्स टेक अप टेक दियर न्यूट्रिएंट फ्रॉम, तो ये एयर, वाटर, सॉइल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, तो ये क्या है? तो 35 में करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच आर पाकिस्तान मेजर सीजन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो ये जो है खरीफ एंड रबी हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नैरोकोटिक क्रॉप्स मेनली ग्रोन इन पाकिस्तान, तो ये टोबैको हैं, टोबैको यानी ये तंबाकू ही सबसे ज़्यादा ये पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एयर कंटेन हवा में जो है 78% नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेवरल आइडेंटिशियल कपल्स ऑफ ए जीन सीक्वेंस इज रेफर्ड टू एज, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? 39 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, जेन क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है कि केबेज, कॉलीफ्लावर,
ब्रोकॉल, नॉल नट आर, ये क्या है? करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है 40 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, कॉल क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट मीन्ड बाई लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में क्या होते हैं? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ल्ड वार वन बिगेन इन, पहली जंग अधीम जो है 1914 को शुरू हुई थी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है 1919 को जो है ये क्या हुआ था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इंडिपेंडेंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच वाज द फर्स्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो रॉयल एयरफोर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नोबल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड एवरी ईयर सिंस, नोबल प्राइज़ जो है ये 1901 से शुरू हुई थी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि व्हाट इज़ फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 47 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, इसके लिए लाइट की शिद्दत को हम नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रेट चाइना वॉल, दो ये 8000 किलोमीटर है, ऑप्शन डी, चाइना वॉल की लंबाई क्या है, दीवारी छीन जिसे कहते हैं, 8000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोन वार बिल्ट इन, तो ये कब हुआ था 49 में, करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, 600 BC। क्वेश्चन नंबर 50 है पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, ये पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जो है 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि द सोप वॉज मेड बाई देश, फर्स्ट ऑफ ऑल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले साबुन बनाई थी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया इज़, तो ये कौन सा है इस्लामी लिहाज से जो सबसे बड़ा सिटी है रकबे के लिहाज से, तो ये काजिकिस्तान है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम इज़ बाई, तो ये जो है इब्ने इसहाक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अमीर माविया ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्राम कुफा टू, तो उन्होंने दमिश्क में इसको क्या किया था, मुंतकिल किया था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हजरत सारा जो है वाज द वाइफ ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड द मदर ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द सिस्टर ऑफ प्रॉफिट, तो ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की क्या थी, बहन थी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हेन मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड न्यूज़पेपर फ्रॉम कोलकाता, तो ये कब शुरू किया था, 14 जनवरी 1911 से शुरू किया था, तो 56 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऑन डेश 1988 में नज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये कब बनी थी, 1 दिसंबर को बनी थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कराची स्टील मिल वाज इस्टेब्लिश इन, तो ये कब बना था, 1973 को, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इन 1974 पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ, तो ये OIC का, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन का चेयरमैन बना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि USA प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अरॉइड पाकिस्तान इन विच ईयर, ये 2000 को पाकिस्तान में आए थे। इसके बाद अभी इंग्लिश वाले सॉल्व करते हैं, तो इंग्लिश वाले देखें क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे MCQs इसी में हैं, और इसको जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट आंसर क्या आता है कि द मेन पावर स्ट्रीम्स विच रूल द मेन आर, तो ये ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है, डोमिनियंस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सच डोमिनियंस दस एक्वायर्ड आर द एदर एकॉस्मेट टू लाई अंडर अ प्रिंस मीन्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन बी, सिस्टम ऑफ डोमेन्स इज यूज टू बी रेगुलेटेड बाई अ ड्राइविंग फोर्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इफ इन प्रिंसिपैलिटी, तो 3 नंबर है, फैमिली ऑफ द प्रिंस इज नॉट लॉन्ग एस्टेब्लिश, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 3 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, देन इट इज अ न्यू प्रिंसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए पर अतर अ रिपब्लिक, तो 4 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, कैन नॉट बी हेरिडेटरी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, 5 में करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है जो कि स्ट्राइक फ्रेज है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 6 में, ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर है, लाई द क्लॉजेज दैट मेक अस लायबिलिटी फॉर एनी एक्सपेंसेस दैट। क्वेश्चन नंबर 7 है
सिनोनिम जो है लुगुबीरियस, तो इसका सिनोनिम क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है, सात में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है कि एंटिनम है और इनर्वेटिंग, तो आठ में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि एंटिनम ऑफ एफेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, नाइन में ऑप्शन सी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर टेन है कि एंटिनम ऑफ, ये लफ्ज़ दिया हुआ है, इसका एंटिनोम क्या है या एंटिनम क्या है, तो ऑप्शन दस में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी हम्बल। क्वेश्चन नंबर अलेवन है कि एंटिनम ऑफ डिसहेबल्ड, तो करेक्ट आंसर क्या आता है, ग्यारह में ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर है ऑर्डर्ड। क्वेश्चन नंबर बारह है और बारह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेरह है और तेरह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी आता है। चौदह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है। पंद्रह में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन सी। सोलह में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन बी। सत्रह में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन डी। अठारह में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन बी। उन्नीस में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन ए। बीस है और बीस में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड दी इसका था पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब एमसीक्यूज़ को भी सपोर्ट करें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।